पॉटी करी, मुझे बड़ी गंदी लगी, फिर मैंने शीशा लगी, मुझे और गंदी लगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ एंड एवरीवन नोज व्हाट टाइम इट इज़ जिम टाइम। और अभी बज रहे हैं 3:15। 3:15 मीन्स 3:15 और जस्ट हम लोग जाने वाले हैं जिम। 3 बजे का प्रोग्राम था जिम जाने का दोस्तों के साथ, लेकिन 3:15 ऑलरेडी बज चुके हैं। 3:30 बजे तक पहुँच ही जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज है अपना लेग्स डे और लेग्स डे की आज हम लोग शुरुआत करेंगे deadlifts, woo, sumo gang, where are you at? कमेंट्स में लिखना अगर तुम सुमो मारते हो या तुम लोग दोबारा वही सोचते हो अपने डैडी शिवम की बातें सोचकर तुम लोग कन्वेंशनल मारते हो और सुमो नहीं मारते। यार बेसिकली डेडलिफ्ट जो है मोस्ट ऑफ द खेल जो है तुम्हारी लेग्स का ही है और लेग्स के अंदर ज़्यादातर इंगेज होती है तुम्हारे इनर क्वाड्स, थोड़े बहुत हैम्स और थोड़े से क्वाड्स। तो बस नो वो है भाई, सुमो इज सुपीरियर, चाहे कुछ भी हो। थोड़ा सा पिंक सॉल्ट, थोड़ा सा शहद। बढ़िया था ना ट्रांजिशन, है ना। चलो अभी इसी बात पे लाइक कर दो और कमेंट कर दो, अभी कर दो। रिमाइंड कर रहा हूँ, तुम अगर तुम फ़ोन पे देख रहे हो तुमको सिर्फ एक बारी फ़ोन की स्क्रीन टच करनी है और तुम्हारे शायद से यहाँ पे या फिर यहाँ पे लाइक का ऑप्शन होगा, लाइक कर देना जल्दी से। सब लोग बस रास्ते में ही है। मेरी बात हुई है कुणाल से भी, बाय द वे कुणाल एक नया बंदा ऐड हुआ है अपनी गैंग के अंदर, तो तुमको मिलवाऊँगा उनसे। तो अभी उससे बात हुई है, वो आ रहा है, मानव ब्रदर भी आए रहे हैं और एक और भाई है अपना मिर्ज़ा भाई, वो भी आ गया। तो बस जाएंगे और जिम मारेंगे बढ़िया सा, लेट्स गो। ऑल्सो मेरे 3 महीने के लिए इंस्टाग्राम पे स्ट्राइक लग गई थी, अगर तुम लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो वो भी कर देना, ठीक है? अभी जाओ, अभी कर दो। मैं यूज़र नेम यहाँ पे या कहीं पर डाल दूँगा, जाके फॉलो वॉलो कर लेना। 3 महीने तक मेरी स्ट्राइक लगी हुई थी एक वीडियो पर, मतलब वीडियो पे के अकाउंट पर लगी हुई थी। उसकी वजह से मैं जो भी वीडियो डाल रहा था मेरे कोई भी रीच नहीं आ रही थी और नॉन फॉलोअर तक नहीं जा रही थी वीडियोस। अब जाके 3-4 महीने बाद वो वीडियो अब थोड़ी बहुत उस पर रीच आनी शुरू हुई है और अब मैं उस पर रेगुलरली कंटेंट डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो बस हम लोग जिम में मिलते हैं और जिम में कंटेंट बनाते हैं। एक तो यार मतलब मैं बहुत खुश रहता हूँ जब मैं क्लीन शेव करता हूँ, लाइक मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और अच्छा लगता है। बट थैंक्स टू माई हेरी जेनेटिक्स मेरे को 1-2 दिन के अंदर ही अच्छी खासी दाढ़ी आने लग जाती है। अब अगर तुम्हारी नहीं आती तुम लोग सोचते हो यार दाढ़ी आ जाए। नहीं भाई, जैसे मेरे पे थोड़ी देर दाढ़ी में मेरे को बीमार सा लगता हूँ। मेरे को ऐसे ही लगता है कि भाई क्लीन शेव रहो, साफ़ सुथरा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभार जो तुम्हारे पास है उसको लेके खुश रहो, अप्रिशिएट करो। तेरी भैंड की टांग सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी के चक्कर में पूरा पीछे तक जाम लगा हुआ है, पूरा का पूरा सिर्फ इस गाड़ी के चक्कर में। अब बहुत बातें बक दी मैंने, अब जिम में मिलते हैं। Without any pump. अभी ये मैं सिर्फ क्वाड्स एक्टिवेशन के लिए थोड़े से वेट्स 23 10 to 12 रेप्स। देखो देखो हमारे राजा बेटा आ गया। आप भी आप भी ब्लॉगिंग कर रहे हो आज? नहीं इसकी भैंस की क्या ये तोड़ दो उसको। सो गाइस यही है वो दरिंदा खो ये भाई बिग फैन तो हम आपके हैं, बिग फैन तो हम आपके भाई। भाई के 2 मिलियन व्यूज आया भाई, 2 नहीं 3 मिलियन हो गए अब तो। मैं तुम्हारे बारे में बता रहा था कि एक नया बकचोद ऐड हुआ अपनी गैंग के अंदर उसके भी 3 मिलियन व्यूज हुए हैं अभी इंस्टाग्राम पे। बड़ा उछल रहा है आजकल, अपने आप को डेविड लेड कह रहा है। देखेंगे आज कैसी है। फिर लोग बोलते हैं मैं डेविड लेड जैसा नहीं लगता, बताओ गाइस। फिर लोग बोलते हैं कि मैं नकली डेविड लेड भाई। इतना तो मेरे क्वाड्स है, इतना इसका ट्राइसेप है। डेविड कौन से लाए बात हो रही है। भीड़ तो हो जाएगी अभी। टाइम क्या हो रहा है? 4 बच्चों ये 4:17 3 बजे का टाइम बोला था। ठीक है यहाँ पे गाइस देख रहा है। ऊपर ही चलते यार, लेट हो जाएंगे। मैंने दुकान में ये कट कर देना। तू ही व्लॉग बना रहा है। ये हेमंत का, ये मेरा मरना छोड़ी है उसने तो क्या ईगो तो सेटिस्फाई होगी ना। बोलो क्या ये कहना चाह रहा जोक रिपीट करेगा। JL कह रहा तू क्या है? बता तू क्या है भाई, कौन है तू? भाई I am Batman। तो भाई मैं ना कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इंसान की शक्ल इतनी बुरी हो सकती है, कितनी बुरी हो सकती है। मतलब तुम खुद सोचो, मतलब इतना बड़ा आदमी, मतलब साला बेरोजगार बैठा है यार। मैंने ना एक मिनट साल को मैंने ना पॉटी करी, मुझे बड़ी गंदी लगी। तुम्हें इसकी शक्ल लगी, मुझे और गंदी लगी, इसकी शक्ल। आपके लिए मैं एक चीज देना चाहूँगा। आज पहली बार मैं ये और मानव भाई एक साथ डेडलिफ्ट करेंगे। तो यार मेरी बैटरी डेड हो गई थी बिल्कुल ही फ़ोन की, और मैंने लास्ट की जो एक्सरसाइज की वीडियो है वो भी मैंने किसी और के फ़ोन से लेके बनाई थी जिम के अंदर, क्योंकि मेरे पास कोई भी नहीं था आसपास। तो मैंने किसी जिम के बंदे से लेके बना दी वीडियोस। तो कल उससे एयर ड्रॉप लूँगा, फिर उसके बाद जब मैं फाइनल वीडियो एडिट हो जाएगी उसमें डाल के तब पोस्ट करूँगा। बाकी बस अच्छा वर्कआउट था, बहुत ज़्यादा लंबा चल गया। डेडलिफ्ट सेशंस मैंने बहुत टाइम के बाद डेडलिफ्ट मारी है और 150 kgs किया हुआ और उसके मैंने 4 सेट मारे फॉर 4 to 5 रेप्स, आई डोंट रिमेंबर। हाँ मैंने मार लिए क्योंकि मैंने बहुत टाइम के बाद मारी थी डेडलिफ्ट, इसलिए उतने ज़्यादा नहीं मार पाया क्योंकि डेडलिफ्ट्स के लिए आपको विद द टाइम ग्रो करना पड़ता है विद वेट्स एंड विद फॉर्म, तभी जाके आपकी मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेडलिफ्ट्स में। अगर डेडलिफ्ट मारते हो ग्रो करनी है तो फिर हफ्ते में एक बार तो मारो ही मारो, चाहे कन्वेंशनल मारो चाहे सुमो मारो। अपने अंडे खाने के बाद अपन आ चुके अपनी उसके बाद वाली मील पर विच इज़ ओट्स एंड आई लव दीज ओट्स, फुल ऑफ कार्ब्स, फुल ऑफ एनर्जी। तो ओके भाई, अगर आपको ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना भर के, और अगर ज़्यादा अच्छा लगा हो तो किसी के साथ शेयर कर देना। ठीक है भाई, अपन तो कंसिस्टेंट रहेंगे अब बिल्कुल विद यूट्यूब और विद इंस्टाग्राम टू। और अगर अभी तक देख रहे हो तो भाई लाइक और कमेंट तो कर दो, अगर अभी तक देख रहे हो तो। और अगर इंस्टाग्राम पे सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे दोबारा मैं यूज़र नेम दे दूँगा, उस पर जाओ और फॉलो करो। मैं ये थोड़ा सा फ़नी वगैरह और जिम से रिलेटेड कंटेंट डालता रहता हूँ, रील्स वगैरह, तो उस पर भी प्यार दिलाओ। जय श्री राम।